इसरा। अरे समीरा आ जाओ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। यार असल में तुम हो तो इजाजत मांगनी पड़ रही है, निमरा होती तो इजाजत की जरूरत भी ना पड़ती मुझे। अरे तुमने माइंड तो नहीं की मेरी बात? अब हसरत भरी बातों का क्या माइंड करना। यार असल में शुरू से शाहजेब के लिए निमरा को सोचा हुआ था ना, बस इसीलिए। इट्स ओके, हकीकत बदल गई है, सोच भी बदल जाएगी। हाँ बदल ही जाएगी, शाजिब भी तो तुम्हें ले आया ना, और मेरे मुंह से अगर कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए ना तो माइंड नहीं करना कभी भी, मैं कुछ भी बोल जाती हूँ। मैं दिल से तुम्हें कबूल कर लिया और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इतनी एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है। कैसे आना हुआ? हाँ वो शाहजेब ने हनीमून पैकेज गिफ्ट किया है ना, तो मैं सोच रही थी कि शॉपिंग पे चले जाऊँ, थोड़ी सी हेल्प कर दोगी मेरी? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। तुम कहीं जा रही हो? हाँ मैं और शाजिब जरा बाहर जा रहे हैं आज। लकी बहुत प्यारी लग रही हो, थैंक यू। एक तुम हो के बाहर जा रही हो, एक राजा है झूठे मुंह भी मुझसे नहीं पूछता कि मुझे कहीं बाहर जाना है या नहीं। इसमें क्या बड़ी बात है? अगर वो नहीं लेके जाता तो तुम प्लान बनाया करो ना, बात तो एक है। वैसे ठीक कह रही हो, अब से यही करूंगी मैं। छोटी बीबी जी, आपके अम्मी अबू और बहन आई हैं, आपको पूछ रही हैं। अरे मैं आती हूँ थोड़ी देर में, मिलती हूँ तुमसे थोड़ी देर। थैंक यू। आप लोग तो खैर से उम्रे पर जा रहे हैं, अल्लाह मुबारक करे, लेकिन निमरा का क्या सोचा है आप लोगों ने? बस आपा क्या बताऊं, यही फिक्र तो परेशान किए हुए, सही तरह से खुशी भी नहीं मना पा रहे। अब हमने सोचा है कि उसे हॉस्टल में दाखिल करवा देते, अब जवान लड़की को इस तरह अकेले घर में तो नहीं छोड़ के जा सकते ना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब खाला का घर क्या तंग पड़ गया उसके लिए जो तुम हॉस्टल में दाखिल करवाओगी उसे? नहीं नहीं आपा ये बात नहीं है, दरअसल हमारा ख्याल है कि उसका अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं लगता। और वैसे भी और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। ऑप्शन क्यों नहीं है? यहाँ मैं हूँ, खाला जान है, हम उसका ख्याल रखेंगे, हॉस्टल में क्यों रहेगी, वो यहीं रहेगी। ऐसी बात नहीं है समीरा, दरअसल ये बात करके मुझे एहसास दिला रहे हैं ये दोनों के अब तक नाराज हैं मुझसे। अरे अरे आपा ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, असल में निमरा ही नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे। अरे निमरा की क्या बात है, बच्ची है वो, मैं खुद बात करूंगी उससे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा कहा टालेगी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला जान, उसका यहीं रहना मुनासिब है, बाबा उसे यहीं रहने दे प्लीज। ठीक है अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो बात करके देख लें निमरा से, हो सकता है अपनी खाला की बात मान जाए। हाँ हाँ मानेगी क्यों नहीं मानेगी, भाई देखो चाय नहीं आई अभी तक। मैं पता करती हूँ। और फिर तैयारी हो गई सारी जाने की? बस दुआ करें कि खैरियत से ये सआदत नसीब हो। चले अल्लाह ताला खैरियत से वापस लाए।
कहाँ गुम हो? कहीं भी नहीं। तो फिर कुछ बोल क्यों नहीं रही? हमने कुछ पूछा ही नहीं। अरे मुझे ऐसा लगता है कि तुम निम्रा के घर पर रहने वाली बात को लेकर डिस्टर्ब हो। ऐसा है क्या? तो क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए इतनी अहम कैसे होगी कि हम उसको डिस्कस करेंगे? आप ये बात भी ठीक है। इसलिए मुझे मेरी हस्ती मुस्कुराती हुई इसरा वापस चाहिए। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कौन सा फ्लेवर लाऊं? क्रीम एंड कुकीज। लगता तुम डाइट पे हो। जी इसीलिए दो स्कूप्स। कुकीज एंड क्रीम। जी डबल स्कूप। नजर आ रही हो तुम? हाँ मैं। मुझे अजियत में डाल के तुम कैसे खुश रह सकती हो? उस यहाँ क्यों आए हो हारिस? तुम्हें देखा ना तो रहा नहीं गया, इसीलिए चला आया। वैसे तुम्हें लगता नहीं कि तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है? शादी का वादा मुझसे किया और जिंदगी तुम उस शादीब के साथ बसर रही। देखो शादी का फैसला मेरे बड़ों ने किया था, मैंने नहीं किया था, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज उस सच्चाइयों से तस्लीम करो। नहीं मैं नहीं तस्लीम करूंगा और ना ही करना चाहता हूं। मैंने बहुत इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया था, सब कुछ हो गया था, सब कुछ ठीक था, दूल्हा बनके तुम्हारा इंतजार कर रहा था और उसने क्या किया? उसने तुम्हें जबरदस्ती अपना लिया।